नमस्कार। भारतीय विद्या भवन इंफोसिस फाउंडेशन कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम के 68वें पायदान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम स्वागत करते हैं इंफोसिस फाउंडेशन के सुश्री सुधा मूर्ति जी का, जिनकी अगुवाई में कार्यक्रम हो रहा है। हम स्वागत करते हैं भारतीय विद्या भवन जयपुर केंद्र के चेयरमैन श्री वीसी सुराना साहब का, इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन सुश्री आशा जी गोलचा का, और भारतीय विद्या भवन जयपुर केंद्र के निदेशक श्री बीसी कुमाऊत साहब का। आप सब की प्रेरणा और रहनुमाई से ये कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से चल रहा है। जैसा कि विदित है, इस कार्यक्रम में हम राजस्थान में लुप्त होती हुई लोक कला, लोक कलाकारों और उन अदाकारियों को प्लेटफॉर्म देते हैं, स्टेज देते हैं, जिनको बहुत अधिक स्थान नहीं मिलता है। इसी क्रम में आज का ये प्रोग्राम है यंग तरंग। 20 साल से छोटे वो बालक जो अपनी रंग साधना को, जो अपनी राग साधना को लगातार साध रहे हैं, उन्हीं का आज यहाँ प्रदर्शन करना है। इसके लिए हमने 5 कलाकारों को यहाँ आमंत्रित किया है। तो एक एक करके कलाकार अपनी हुनरमंदी का आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे और फिर अंत में एक जुगलबंदी का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो लीजिए, पहले प्रस्तुत करते हैं सितार। सितार एक बहुत ही कठिन और परिश्रम से सीखा जाना वाले वाद्य है, और जब हम बड़े सितार के सितारों को देखते हैं तो ये लगता है, ये भ्रम कहीं होता है कि बहुत युवा अवस्था से इसको सीखना शुरू करते हैं और बहुत लंबे समय तक सीखा जाना होता है, उसके बाद कहीं ये साधना पूरी हो पाती है और सितार बजाना आता है। लेकिन इस मिथक को तोड़ा है हमारे साथ में आज उपस्थित इस युवा कलाकार ने, नरेंद्र कुमार योगी ने। तो आइए राग पूरिया धनाश्री से शुरू करते हैं भाई नरेंद्र योगी की सितार। Thank you.
एक बहुत ही मधुर सा वाद्य है और लोक वाद्य है पूरा का पूरा, इसराज। सारंगी खानदान का ये वाद्य है इसराज। बहुत कम इसको बजाने वाले कलाकार अभी हमें मिलते हैं। ऐसे में भाई उमर हुसैन ने इसराज को बजाना सीखा हुआ है और वो अपनी इस कला साधना को निरंतर जारी रखे हुए हैं। आइए उनसे सुनते हैं राजस्थान का एक लोकगीत, मरी लूमा झूमा रे। आइए इनके बाद हम अपनी इस यात्रा को और आगे लेके चलते हैं। एक और बड़ा ही मधुर कर्ण प्रिय वाद्य हमारे साथ में है, बांसुरी। पूरे संसार में बांसुरी अलग अलग रूपों में उपलब्ध है और बजाई जाती है। हमारे यहाँ बांस की बांसुरी प्रचलित है, विदेशों में धातु की बांसुरी, प्लास्टिक की बांसुरी भी कहीं कहीं आजकल उपलब्ध होती है और बजाई जाती है। तो इसी क्रम में एक युवा कलाकार, बहुत ही होनहार कलाकार भाई जाकिर हुसैन हमारे साथ में हैं। बांसुरी से एक बहुत ही मधुर सी धुन सुनने का आग्रह है इनसे। राग हंस ध्वनि में ये अपनी बांसुरी की हुनरबंदी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, राग हंस ध्वनि। Thank you.
संगीत में वैसे तो हर वाद्य का अपना महत्व है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में रिदम वाले जो वाद्य हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है, उनकी बड़ी भूमिका भी होती है। रिदम के लिए ढोलक और तबला हमेशा से हमारे साथ में रहे हैं और बहुत अच्छे से जाने माने जाते हैं दोनों ही वाद्य। राजस्थान में भी ये उतनी ही प्रियता के साथ में बजाए जाने वाले वाद्य है ढोलक, चाहे संगीत की बड़ी से बड़ी सभा हो, चाहे कोई भजन मंडली हो, ढोलक हमारा बहुत प्रिय वाद्य है और सहज सुलभ है। औरतें भी बजा लेती हैं, लड़कियां भी बजा लेती हैं, पुरुष भी बजा लेते हैं। ढोलक और तबला आपस में क्या क्या बातें करते हैं, उनके कुछ कायदे गतें उनको सुनते हैं। इनको बजाने वाले कलाकार हैं हमारे साथ में, बड़े युवक कलाकार हैं। ढोलक बजा रहे हैं भाई अताउल्ला खां और तबले पर हैं तारिक। तो आइए सुनते हैं ढोलक और तबला क्या ताल लेकर आते हैं। Thank you.
जब बात वाद्य यंत्रों की होती है तो अक्सर ये कहा जाता है वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है, वाद्य यंत्र को बजाना होता है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वाद्य यंत्र बजाया नहीं जाता या वाद्य यंत्र बजता नहीं है, वाद्य यंत्र बोलता है, वो हमसे बात करता है, वो गाने वाले गायक कलाकार से बात करता है, वो अपने साथी वाद्य यंत्रों से भी बातचीत करता है। इस बातचीत को समझने के लिए एक छोटी सी समझ की ज़रूरत होती है। जो लोग संगीत को बहुत अरसे दराज से सुनते रहते हैं या लगातार सुनते रहते हैं, उनमें ये समझ डेवलप हो जाती है। तो उन सब लोगों को ये लगता है कि वाद्य यंत्र बज नहीं रहे हैं, वाद्य यंत्रों को बजाया नहीं जा रहा है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ में ये पांच होनहार युवा हैं, इन्होंने अपने अपने वाद्यों के साथ में अपनी अपनी बात अभी तक आप दर्शकों के सामने रखी हैं। आइए अब देखते हैं, जिसको संगीत की भाषा में जुगलबंदी कहते हैं, कि ये वाद्य यंत्र आपस में क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके से बात कर रहे हैं और किस कायदे से बात कर रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा जुगलबंदी का आयोजन आप लोगों के लिए है। ये जुगलबंदी प्रस्तुत की जा रही है राग यमन में। तो लीजिए, वाद्य यंत्रों की बातचीत सुन रहे हैं राग यमन। Thank you.
इतने मधुर कार्यक्रम को चलाते हुए और अब मुझे आपको कहना पड़ेगा कि हम अपनी इस रंग यात्रा को एक बार यहाँ एक अल्प विराम देना चाहते हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। आज युवा साथियों ने बहुत सुंदर बजाया, आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा। आज का ये 68वां कार्यक्रम अब हम आप सब लोगों की अनुमति से यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, और मैं ये कामना करता हूँ कि कोरोना का जो दुष्काल था, जो पूरी मानवता पर छाया हुआ था, वो अब खात्मे की तरफ है। आप और हम सब लोग भाग्यशाली हैं, ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सब लोगों ने उस दुष्काल को पार कर लिया और अब एक नए समय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे से स्वस्थ रहें, हमारे इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते रहें, और आपके होने से कलाकारों का हौसला रहता है, हम सब लोगों की हिम्मत रहती है। इसीलिए आपसे बार बार आग्रह है कि आप लोगों की उपस्थिति हमें एक संबल देती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और आभार उन सभी का जो इस कार्यक्रम को करने की प्रेरणा देते हैं। आभार है इन्फोसिस फाउंडेशन की सुश्री सुधा मूर्ति जी का, हम पूरे कलाकार समुदाय की ओर से करबद्ध होकर आपका आभार प्रकट करते हैं, और भारतीय विद्याभवन जयपुर केंद्र के चेयरमैन वीसी सुराना साहब, इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन सुश्री आशा जी गोलचा, और जयपुर केंद्र के निदेशक कैप्टन बीसी कुमाऊ साहब, आप सबका बहुत बहुत आभार है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली बार ऐसे ही किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।